हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ फिर से एक बार, जहां पर हम बात करेंगे मई मंथ के 100 एमसीक्यूज की। गाइस, मैं आपको ऑलरेडी जुलाई मंथ, जून मंथ के 300 क्वेश्चन करा चुका हूं, और आज मई मंथ को हमने शुरू किया है आपके रिवीजन के लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपने जो भी पढ़ा है ये आपका एक एग्जामिनेशन है कि आपको वो चीज़ आती है कि नहीं आती। तो आपके रिवीजन पर्पस के लिए, आपके एग्जाम पर्पस के लिए, दोनों के लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट सेशन है। आइए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, और स्टार्टिंग करेंगे मेरे बारे में। तो आपको मेरे बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल चुकी है, मेरे टाइमिंग के बारे में आपको बताइए। हम लोग का अपना पेड बैच चलता है, हमारा पेड बैच मेरा अभी चल भी रहा है, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड स्टैटिक करंट अफेयर्स का, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म क्यों ज्वाइन करना चाहिए, मैं आपसे कई बार बोल चुका हूँ, इस प्लेटफॉर्म की खासियत समझिए। ये जो आपका जो हमारा जो डैशबोर्ड है ना, जिस पर आपको क्लास मिलती है ना, वो रियल टाइम पे मिलती है। आपको YouTube की तरह या किसी और प्लेटफॉर्म की तरह वेट नहीं करना पड़ेगा। हम आपसे पढ़ा रहे हैं, हमने बात बोली, आपने तुरंत बैठ के सामने सुन ली, तुरंत, इसमें कोई डिले नहीं होता। और जो भी नोट्स हम बनाते हैं, जो भी हम स्लाइड बनाते हैं, वो PDF में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होती है, और आप उसी स्लाइड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। सेम, यानी कंटेंट आपको वही मिलेगा जो फैकल्टी पढ़ा रही है। ऐसा नहीं है कि फैकल्टी कुछ और पढ़ा रही है, कंटेंट कुछ और मिल रहा है। क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, फॉर एग्जांपल बैंकिंग, SSC, रेलवे, UPSC, आपको फीस पे करनी पड़ती है, लेकिन इस फीस में आप जितने भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं सबके कोर्सेज अनलॉक कर सकते हो। आपको मैथ पढ़नी है, आपके पास टाइम कम है, आप मॉर्निंग में फ्री नहीं हो, या आप मॉर्निंग में फ्री हो, अपने हिसाब से अपना आप कोर्स चूज कर सकते हो, किसका आपको पढ़ना है। किसी फैकल्टी की इंफॉर्मेशन आपको उतनी क्लियर नहीं है, दूसरे फैकल्टी के पास जाए, बट ऐसा होता नहीं है। तो आपके ये चीज हाथ में होती है, तो प्लस प्लेटफॉर्म को इसलिए ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप प्रिपरेशन कर चुके हैं, आप प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर चुके हैं, अपने दोस्तों यारों को बताइए प्लेटफॉर्म के बारे में, कि कितने बढ़िया से प्रिपरेशन होता है। यकीन मानिए, मजा इसमें आता है। और जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फीस का स्ट्रक्चर क्या होता है, फीस आपके सामने होती है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ का भी हमारे पास पूरा पूरा एक सफिशिएंट मॉडल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 12 मंथ का मॉडल लेते हैं, तो 12 महीने के लिए आपके सामने, जैसे बैंकिंग की हम बात करें, सारे कोर्सेज अनलॉक हो जाएंगे, रेलवे के लिए सारे कोर्सेज अनलॉक हो जाएंगे। ठीक, तो अगर आप बैंकिंग के लिए ये हमारा कोर्स ज्वाइन करते हो, तो 5000 फीस है एक साल की, लेकिन आफ्टर द कोर्स अगर आप इस AM लाइव कोर्स का यूज करते हैं, तो आपकी फीस कम हो जाएगी। तो अगर आपने बैंकिंग को चुना है, तो बैंकिंग के सारे फैकल्टी आपके लिए यहां पर ओपन होंगे, आप सबका देख सकते हैं। अगर आपने SSC के लिए लिया, कोड सब में काम करेगा, कोड IIT, NEET, UPSC, रेलवे, जितने भी एग्जाम है सब में कोड काम करेगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक बार आपको फीस पे करनी है, फॉर एग्जांपल आपने 12 महीने के लिए फीस पे कर दी, तो 12 महीने तक आप किसी भी फैकल्टी के फ्री लेसन्स, स्पेशल लेसन्स, पेड लेसन्स सब देख सकते हो, जब मन करे जिसका मन करे उसका देखिए। पढ़ने के लिए कोई छूट, कोई रोक नहीं है, पूरी छूट मिली है आपको। चलिए, 2 साल का भी हमारे मॉडल है, 2 साल का। अभी मेरे ही मतलब घर में ही एक बच्ची है, उसका ग्रेजुएशन चल रहा है, तो उसको बैंकिंग की तैयारी करनी थी, मैंने उसको ये मॉडल दिलवाया, 8000 उसने पे किया, सेकंड ईयर में आराम से 2 साल उसके पास है, आराम से वो देखेगी, और मेरे कोड का यूज किया तो 7200 फीस पड़ गई उसकी। ठीक है, चलिए, तो सेशन हमारा कौन सा, उसके बारे में बात करें। सेशन हमारा है MCQ सेट 1 मई मंथ की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चंस आपके सामने फटाफट आएंगे, और आपको धड़ाधड़ उसके आंसर देने। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड अ 6-member पैनल फॉर हाउसिंग लोन सिक्योरिटाइजेशन, द पैनल इज हेडेड बाय, मैंने अभी अपने करंट अफेयर्स में इसका रिवीजन कराया, आंसर देना है आपको। आशीष जी, बुरा न माने, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसमें बुरा लग सकता है तो मत पूछो, अगर जेन्युइन क्वेश्चन है तो पूछो बिल्कुल। आशीष जी, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हर्षवर्धन जी हैं, हर्षवर्धन ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पंजाब नेशनल बैंक इंटेंड्स टू रिकवर व्हाट अमाउंट ऑफ बैड लोन्स इन द फाइनेंशियल ईयर 1920 थ्रू वन टाइम सेटलमेंट एंड रिजोल्यूशन अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आंसर दें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर। यहां पर जय रोशन बोल रहे हैं 1 ऑप्शन वाला, जल्दी आंसर दो फटाफट सब लोग। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन,
सौरभ चौधरी सेटेड द जूनियर एंड सीनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड विनिंग द सेकेंड गोल्ड इन द वर्ल्ड कप रिसेंटली. ही इज एसोसिएटेड विथ गेम ऑफ. आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स की पर्सनालिटी से जरूर पूछा जाता है. आपको नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि मतलब ये जो खिलाड़ी है ये किस फील्ड से बिलोंग करता है. वी हैव फाइव ऑप्शन. आशीष दी आपने पूछा नहीं क्वेश्चन, पूछ लीजिएगा क्या इसका आंसर होगा. व्हाट इज द आंसर? एंड द आंसर इज शूटिंग. ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन द ओपनिंग मैच ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड कप. ओपनिंग मैच, पहला मैच. तो पहला मैच किसने जीता ये आपसे पूछा गया है. आंसर क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है. इसका आंसर है इंग्लैंड. इंग्लैंड और किस टीम के बीच में आईसीसी वर्ल्ड कप का पहला मैच हुआ था, जरा मुझे बताइएगा. इंग्लैंड तो है आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. श्रीलंका साइंड अ ट्री पार्टाइट एग्रीमेंट विथ इंडिया एंड विच कंट्री रिसेंटली फॉर डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न टर्मिनल ऑफ द कोलंबो पोर्ट. इसका आंसर क्या होगा? साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड. एंड द राइट आंसर इज जापान. ऑप्शन नंबर फोर. जापान ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. FIDE इज द वर्ल्ड बॉडी विच रेगुलेट द गेम ऑफ. FIDE करंट अफेयर्स के स्टैटिक में कई बार मैंने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है. मे बी शायद आपको याद हो क्या ये किसको ये डील करता है. एंड राइट आंसर इज चेस. ऑप्शन नंबर थ्री. चेस इज राइट आंसर. राजन पूछ रहे हैं कि हु रेगुलेट द मर्जर एंड एक्विजिशन ऑफ इंडिया. मर्जर और एक्विजिशन किस वजह से हो रहा है? क्या एनपीए की वजह से हो रहा है या आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है? देखो जब भी शेयर की बात आएगी, शेयर तो सेबी की बात आएगी, लेकिन अगर बात एनपीए की है, एनपीएमपीए है तो इंसॉल्वेंसी कोड की है, तो उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड सेबी सभी आते हैं. बट एट लास्ट सेबी आप बोलोगे, कोई बात शेयर की हो जाती है ना, शेयर की. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया won हाउ मैनी गोल्ड मेडल एट द ISSF वर्ल्ड कप कंक्लूडेड रिसेंटली इन म्यूनिक जर्मनी. तो म्यूनिक में हुआ था. आपको बताया कि एक साल में तीन बार ये इवेंट होता है, लास्ट वाला म्यूनिक जर्मनी में हुआ. तो उसमें इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते ये आपसे पूछा गया. कंपनीज की बात है तो सेबी आएगी ना, शेयर की बात होती है. एक्विजिशन मर्जर का मतलब क्या हुआ? आपके शेयर मैं परचेस करूंगा या मेरे शेयर आप परचेस करोगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया won हाउ मेनी गोल्ड मेडल एट द ISSF वर्ल्ड कप. अच्छा फाइव आंसर का फाइव है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. विच कंट्री रिसेंटली लिफ्टेड द एक्सपोर्ट बैन ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम केरला. द बैन वॉज इम्पोज आफ्टर द नीपा. अभी ठीक हो गया सर? हो गया? आप लोग देख पा रहे हैं मुझे? चलो आ गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? गिव मी वन मिनट बस. हाँ क्वेश्चन का आंसर देते रहो. क्वेश्चन का आंसर क्या है? द हाईएस्ट नंबर, तो उसका आंसर क्या होगा? 78. ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर. 78 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. विच कंट्री हैज स्टॉप्ड द 2019 एडिशन ऑफ द IMD वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस रैंकिंग. व्हाट इज द आंसर गाइस? और इसका आंसर क्या होगा? सिंगापुर. ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल एवरेज डे वॉज ऑब्जर्व रिसेंटली
On which date Nepal is Tenzing Norgay? आप लोग देख पाए तो आंसर दीजिए. What is the answer, guys? कहां पे चले गए आप लोग? हम वापस आ चुके हैं और हमारा सेशन भी शुरू हो चुका है. हाँ, what is the answer? And the right answer is 29th May. Option number 4 is right answer. 29th May is right answer. हमारे सामने आ चुका है. हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखिए यहां पर. Who among the following won the 2019 9 dot prize for his her entry bread cement cactus? तो ये भी आपको पढ़ाया गया है, कई बार रिवीजन भी कराया गया है. What is the answer? कई बार आपको पढ़ाया गया है ये, क्या इसका आंसर होगा? What is the answer? And the right answer is Anizadi, option number 2. Anizadi is right answer. Okay, let's move to question number 13. Which country celebrate its 12th Republic Day on 29th May? 12th Republic Day on 29th May. What is the answer? ये भी पढ़ाया गया point है और आपको इसका revision भी कई बार कराया गया है. And the answer is Nepal, option number 3. Nepal is right answer. Okay. मुकुल बैनर्जी, क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हैं, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पार्लियामेंट ऑफ मजलिस ऑफ विच कंट्री रिसेंटली पास अ रेजोल्यूशन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीच एट द पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज अपकमिंग विजिट. कई बार हमारे करंट अफेयर्स के स्टैटिक पॉइंट में हम कंट्रीज के पार्लियामेंट का नाम इसीलिए आपको बताते हैं. तो आपको यह पता होगा कि मजलिस कहां की पार्लियामेंट का नाम है, तो आप इजिली आंसर दे लोगे. तो वैसे ये तो बड़ा कॉमन है. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? मालदीव, ऑप्शन नंबर 1. मालदीव इज राइट आंसर. प्रियंका, नॉट नेपाल, इट्स मालदीव. चलिए, कविता फिजी बोल रही. नेक्स्ट क्वेश्चन. द यूएस रिमूव इंडिया फ्रॉम इट्स करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट रिसेंटली. विच कंट्री वॉज ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द लिस्ट अलॉन्ग विथ इंडिया? ये क्वेश्चन मैंने आई थिंक शायद कल ही पढ़ाया है अपने प्लस प्लेटफॉर्म पर. और इसका आंसर क्या होगा? एंड राइट आंसर इज स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नवीन पटनायक वॉज सोन इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा फॉर द फिफ्थ टाइम इन अ रो रिसेंटली. ही वॉज एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस बाई गवर्नर. मतलब ये है कि भाई उड़ीसा के गवर्नर कौन है? पांचवीं बार चीफ मिनिस्टर बने हैं, ये भी आपको लर्न करना है. लगातार पांचवीं बार. फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? गणेशी लाल, ऑप्शन नंबर 1. गणेशी लाल इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मोहम्मद अब्दुल हामिद विजिटेड न्यू दिल्ली to attend swearing in of PM Narendra Modi on 30th May. Mohammad Hamid is the present president of. तो ये question मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूं. Malaysia, Indonesia, Brunei, Afghanistan, Bangladesh. And what is the right answer? And the right answer is Bangladesh, option number 5. Okay, next question. What is India's position on the 2019 edition of World IMD World Competitiveness Ranking? क्वेश्चन आपको पता है, इसका आंसर सिंपल सा है, 43rd. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट यूट्यूब चैनल टू क्रॉस 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स? तो पांच ऑप्शन आपके पास हैं. व्हाट इज द आंसर? ये भी आपको पता है इसका आंसर. टी सीरीज, ऑप्शन नंबर 2. टी सीरीज इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पैनल सेटअप बाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन सेकेंडरी मार्केट फॉर कॉर्पोरेट लोन्स इज हेडेड बाई कैनरा बैंक चेयरमैन. तो ये तो आपको मैंने अभी रिविजन कराया. और इसका आंसर क्या होगा? टीएम मनोहरन, ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर द आकाश 1S मिसाइल. आकाश कैसी मिसाइल है, ये आपसे पूछा गया. आकाश कैसी मिसाइल है, ये आपसे पूछा गया और आपको इसका आंसर देना है. क्या ये डिफेंस मिसाइल सिस्टम, एंटी सबमरीन मिसाइल, एयर टू एयर, सर्फेस टू सर्फेस और एंटी सैटेलाइट मिसाइल? आकाश की हम बात कर रहे हैं. इसका आंसर क्या होगा? डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. मोहम्मद नाशीद वॉज इलेक्टेड एज द न्यू स्पीकर ऑफ मजलिस और पार्लियामेंट इन विच कंट्री? तो अभी हमने इसकी बात की, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव, ऑप्शन नंबर 3. मालदीव इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द टाइमिंग ऑफ ट्रांजेक्शन थ्रू RTGS by 1.5 hours from 4:30 PM to 6 PM. Here the term RTGS means. देखिए यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर 6 PM बोला गया है. एग्जैक्टली में एक बार क्या हुआ था, प्रांजल ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर आपने बोला था कि RTGS की टाइमिंग 8 to 8 होती है,
लेकिन अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4.5 से बढ़ा के 6 किया, तो मैंने प्रांजल को समझाया था कि देखो आरटीजीएस की टाइमिंग 8 से 8 ही है, वो बैंक के ऊपर होता है। देखिए मैं इसको प्रूव कर सकता हूं, अगर आरटीजीएस की आप चार्जेस की बात करें तो जैसे 8 से 11 कोई चार्ज नहीं है, 11 से 1 2 रुपए है, 2 से 6 5 रुपए है, और आफ्टर 6 10 रुपीज है, यानी आफ्टर 6 भी हो सकता है, तभी तो चार्जेस रखेगा ना आरबीआई के द्वारा। तो 8 से 8 है, लेकिन अभी आपको याद रखना है, आपको 6 याद रखना है 6 पीएम तक, ठीक है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। चलिए, द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया डिक्लाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 6 ईयर 2018-19, द एफडीआई डिक्लाइन बाई 1% टू, तो 18-19 में जो एफडीआई आया वो कितने परसेंट कम हुआ, ये आपसे पूछा गया है, और इसका आंसर क्या होगा ये भी आपको बताना है। नहीं, आपका बैंक आपको अलाउ नहीं करेगा ना, तो आप कैसे कर पाएंगे? आपका बैंक आपको 6 o'clock तक अलाउ कर रहा है, तो आप वही कर पाएंगे। एंड राइट आंसर इज 44.37 बिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च अ न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर उरल रिसेंटली इन ऑर्डर टू इंप्रूव इट्स एबिलिटी टू टैप द आर्कटिक कमर्शियल पोटेंशियल। ये भी आपको पता होगा, ये भी हमने पढ़ा है, यूके, ऑस्ट्रिया, चाइना, यूएस, रशिया, और ये काम किसने किया, ये काम किसने किया, ये काम रशिया ने किया, ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर, न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर उरल, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चांसलर सेबेस्टियन कर्स वॉज आउस्टेड फ्रॉम पावर थ्रू अ नॉन कॉन्फिडेंस वोट इन पार्लियामेंट इन विच कंट्री रिसेंटली। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। एंड राइट आंसर इज ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर 1, ऑस्ट्रिया इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 27। एन इंडियन आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनकर हैज बीन अपॉइंटेड द कमांडर ऑफ यूएन मिशन इन साउथ सूडान, द कैपिटल ऑफ साउथ सूडान इज, कैपिटल साउथ सूडान की क्या है वो भी बताइए और करेंसी भी बताइए। अगर आपने संडे को मेरा कंट्री करेंसी ट्रिक देखा होगा तो मैंने साउथ सूडान की ट्रिक बताई है, जो करेंसी सूडान की है वही करेंसी साउथ सूडान की भी है, यूके लेस, अगर आपको याद होगा मैंने ट्रिक बताई थी आपको, यूके लेस, याद करिए, कुछ ऐसा कुछ पढ़ाया था मैंने आपको। एंड द आंसर इज, एंड द आंसर इज जुबा, एंड द करेंसी इज पाउंड, यूके लेस जो मैंने आपको बताया था ये है ना, यूके लेस है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने, द आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ ओरछा टाउन हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, द साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ओरछा में गया हूं घूमने के लिए, बहुत बढ़िया जगह है ओरछा। जी नेहा अग्रवाल बिल्कुल पूछिए, जिन बच्चों ने मेरा संडे को कंट्री करेंसी वाला वीडियो नहीं देखा है जाकर देख लीजिए, आपको क्रोना, आपको क्रोन, पाउंड, रुपीज, पेसो, बहुत सारी करेंसी की ट्रिक मिल जाएगी। चलिए इसका आंसर मध्य प्रदेश है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। मैं झांसी में था, मैं झांसी में पढ़ा रहा था, तो झांसी से बहुत पास में ही ओरछा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द फर्स्ट यूएन हैबिटेट असेंबली, द हेडक्वार्टर ऑफ द यूएन हैबिटेट इज लोकेटेड इन। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भारत को जगह मिली है पहली बार यूएन हैबिटेट असेंबली की, तो यूएन हैबिटेट का हेडक्वार्टर कहां पे, ये आपसे पूछा गया है। आंसर, आंसर, आंसर फास्ट। हरीश बोल रहे नैरोबी, क्या नैरोबी सही आंसर है? नैरोबी बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार थे एग्जैक्टली में, जैसे कोई चीज की शुरुआत होती है ना तो मेनका गांधी को वैसे बैठा गया था, वो लेजिस्लेचर नहीं हुआ था, लेजिस्लेचर में प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, तो वही याद रखना आप, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर स्टैगिंग टर्न अराउंड इन थर्ड क्वार्टर पंजाब नेशनल बैंक रिटर्न टू रेड इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 19, द प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ पीएनबी इज। आंसर दीजिएगा, मतलब बोला गया कि थर्ड क्वार्टर में ठीक ठाक था, चौथे क्वार्टर में फिर रेड लिस्ट में आ गया,
तो पीएनबी के डायरेक्टर कौन, सिंपल सा क्वेश्चन है, सुनील मेहता ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम सिंह गोले लीड सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा वॉन रिसेंट असेंबली इलेक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। क्वेश्चन देखो, इसका आंसर तो आराम से चल जाएगा, व्हाट इज द आंसर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सिक्किम। नाम से चला सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरू देवगन पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज अ वेटरन फिल्म मेकर एंड अ एन। तो आपको पता है कि वीरू देवगन जो थे वो अजय देवगन के पिताजी थे और उन्होंने एक्शन कोरियोग्राफर के तौर पे काम किया था। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एक्शन कोरियोग्राफर, ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देख लीजिए यहां पर, विच फर्म हैज अनाउंस टू लॉन्च ग्लोबल क्वाइन क्रिप्टो करेंसी इन 2020। ग्लोबल क्वाइन क्रिप्टो करेंसी 2020 में कौन सा फर्म लेके आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM, एप्पल एंड फेसबुक। आपका आंसर क्या होगा, एंड राइट आंसर इज फेसबुक, ऑप्शन नंबर फाइव, फेसबुक इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फाइव इज राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 34। हु अमंग द फॉलोइंग वन द 2019 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला वन। तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, वी हैव फाइव ऑप्शन ऑलरेडी, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा लेविस हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर टू, बताइए हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस टूगेदर वॉन 5353 सीट इन द रिसेंट लोकसभा इलेक्शन विद सीट वॉन बाई भारतीय जनता पार्टी अलोन। भारतीय जनता पार्टी ने अकेले कितना जीता, एंड राइट आंसर इज 303, 303 इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहां पर, सिरिल रामाफोसा वॉज सोन इन एज द, तो ये बताइए सिरिल रामाफोसा जो है ये किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं, ये आपसे पूछा गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। And the answer is South Africa, option number 5 is right answer. Next question. चलिए देखिए, देखिए कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज थे, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मैंने देख लिया क्या है। देखिए मैंने पूछा कि ग्लोबल क्वाइन क्रिप्टो करेंसी, ग्लोबल क्वाइन का मतलब ये हुआ बेटा कि पूरे वर्ल्ड में ये क्रिप्टो करेंसी चलेगी और इसका नाम क्या होगा, लिब्रा। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा, लिब्रा। ठीक, वापस आते हैं। हाँ प्रपेश, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट फॉरेन लीडर टू मीट विथ जापान न्यूली एंथ्रोन एम्पावर्ड नारुहितो। नारुहितो वहां के नए सम्राट बने हैं, उनसे पहली मुलाकात कौन करेगा, यह पूछा गया आपसे, और इसका आंसर क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पावरफुल अर्थक्वेक मेजरिंग 8 ऑन द रिक्टर स्केल रॉक्ड पेरू रिसेंटली, द कैपिटल ऑफ पेरू इज, पेरू की कैपिटल क्या है। तो प्रपेश किएगा, ग्लोबल क्वाइन का मतलब कि पूरे ग्लोब, मतलब पूरे वर्ल्ड में वो क्वाइन को डिप्लॉय किया जाएगा, उसका नाम लिब्रा होगा, फर्म का नाम कैलिब्रा है, एंड राइट आंसर इज लीमा, करेंसी इज सोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओवरसीज बैंक हैज लॉन्च बैंक ऑन व्हील्स फैसिलिटी इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री, द बैंक इज हेडक्वार्टर इन। तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने बैंक ऑन व्हील्स शुरू किया, तो इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है, आंसर। जी हां, इंडिया लग गया तो चेन्नई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इन्वाइटेड बिम्स्टेक हेड फॉर द स्वेयरिंग इन सेरेमनी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक।
तो बिम्स्टेक में कौन सा मेंबर नहीं है? बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड। आंसर दीजिए। क्या इसका आंसर होगा? एंड राइट आंसर इज मालदीव, ऑप्शन नंबर टू। मालदीव इसका मेंबर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इज द न्यू कमर्शियल आर्म ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। अभी बेंगलुरु में ये ओपन हुआ, ये किसका कमर्शियल आर्म है ये आपसे पूछा गया है, और इसका आंसर क्या होगा? एंड राइट आंसर इज इसरो, बेंगलोर में खोला गया, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक, मतलब ये इसरो के लिए फंड रेस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगमोहन रेड्डी लीड वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वॉन द रिसेंट असेंबली इलेक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये पता है, आंध्र प्रदेश का आंसर होगा। हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बीडी मिश्रा इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। भारतीय जनता पार्टी वॉन द रिसेंट असेंबली इलेक्शन देयर। क्या बीडी मिश्रा जी अभी हैं, अभी तक हैं? आंसर दीजिएगा मुझे। यहां पे अरुणाचल प्रदेश, क्या अरुणाचल प्रदेश में बीडी मिश्रा जी अभी भी हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियास महेश मंगावनकर वॉन द 6वीं ओपन इन क्रियंस स्विट्जरलैंड रिसेंटली। ये क्या खेलते हैं ये आपसे पूछा गया, आंसर क्या हुआ देख लीजिए। ही इज देयर, वेरी गुड। अब मुझे इस क्वेश्चन का दिए आंसर, टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश, टेबल टेनिस, स्नूकर। एंड राइट आंसर इज स्क्वैश, ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन द 2019 सुधीर रमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट रिसेंटली। तो ये तो चाइना में हुआ था, आपको बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चाइना, ऑप्शन नंबर वन, चाइना इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, देखिए, अपूर्वी चंदेला इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। शी वॉन अ गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड कप रिसेंटली। अपूर्वी चंदेला की बात कर रहे हैं, ये तो सबको पता होगा, सारे बच्चों को पता होगा क्या इसका आंसर होगा, देख लीजिए यहां पे। क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर रहे हैं, एंड राइट आंसर इज शूटिंग, ऑप्शन नंबर थ्री, शूटिंग इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर। मैं फिर से आपसे अनाउंसमेंट कर दे रहा हूं, देख सुन लीजिएगा मेरी बात। मेरे पास एक अभी वर्क है पीपीटी बनाने का, बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, मतलब अगर किसी को पावर पॉइंट पे काम करना आता है तो पीपीटी बनानी है, आपको उसके लिए लैपटॉप चाहिए होगा और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा ताकि मैं आपको मेल भेज सकूं। किसी को भी वर्क करना है मेरे साथ तो मुझे डायरेक्टली आप मेल कर दीजिए या फिर मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, एक काम मेरे पास अभी और आया, ठीक है, और अगर आपके कोई साथी कोई थोड़ा सा थोड़ा बहुत वर्क चाहता है, पार्ट टाइम वर्क चाहता है, तो उसके लिए बेस्ट काम है, बहुत अच्छा काम है ये। चलिए ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पलजोर स्टेडियम इज एन एसोसिएशन फुटबॉल स्टेडियम लोकेटेड इन, कहां पर स्टेडियम की बात यहां पर हो रही है। एंड द आंसर इज गंगटोक, ऑप्शन नंबर वन, गंगटोक इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल कंडक्ट एन ऑक्शन ऑन जून 13 टू परचेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन फॉर रुपीज 15,000 करोड़ टू इन्फ्यूज लिक्विडिटी। हियर ओएमओ मींस, एंड राइट आंसर इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, 15,000 करोड़ रुपए, ध्यान दीजिएगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना हैज स्टार्टेड पुशिंग फॉर अ फ्री ट्रेड पैक्ट बिटवीन एशियान प्लस थ्री नेशंस। द न्यू ग्रुप इंक्लूड 10 मेंबर्स ऑफ एशियान, चाइना, जापान एंड विच कंट्री। ठीक है, तो एशियान देश हो गया, चाइना हो गया, प्लस थ्री का मतलब एशियान हो गया, चाइना, जापान और कौन सा देश। एंड द आंसर इज, एंड द आंसर इज साउथ कोरिया, साउथ कोरिया इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन,
द वर्ल्ड बी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट? वर्ल्ड बी डे, एंड राइट आंसर इज 20th मई, ऑप्शन नंबर 3, 20th मई इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया वन हाउ मेनी मेडल्स एट द इंडिया ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट हेल्ड इन गुवाहाटी रिसेंटली? एंड राइट आंसर इज 57, ऑप्शन नंबर 4, 57 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉरपोरेशन बैंक हैज लॉन्च क्रॉप एसएमई सुविधा, अ प्रोडक्ट ऑफ जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमई. द बैंक इज हेडक्वार्टर इन, कॉरपोरेशन बैंक की बात हो रही है, इसका हेडक्वार्टर क्या, इसका हेडक्वार्टर क्या, कहां पे है मतलब कॉरपोरेशन बैंक? तो याद कर लीजिएगा, चीफ मिनिस्टर सीएम, कॉरपोरेशन बैंक मतलब सी और मिनिस्टर मतलब मैंगलोर. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीआईसी इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज. हियर द टर्म सीआईसी मींस, और मैंने आपको कई बार रिवीजन कराया कि सीआईसी के सुपरविजरी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमेटी बनाई, उस कमेटी को लीड कौन कर रहा है वो भी मुझे आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा. चलिए आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा, व्हाट इज द आंसर? हमारे पास 5 ऑप्शन है एंड राइट आंसर इज कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी. कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, कमेटी का नाम मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज दैट इंप्रूव जेंडर डाइवर्सिटी परफॉर्मेंस बेटर द आईएलओ इज हेडक्वार्टर इन. तो मतलब जेंडर डाइवर्सिटी परफॉर्मेंस बेटर हुआ है देशों का, तो आईएलओ का हेडक्वार्टर कहां पे, ये आपसे पूछा जा रहा है. साधना तपन रे बता रही है, तपन रे सही आंसर है क्या? तपन दे नहीं है मिथिलेश, तपन रे है. गाना सुनो ना, सनम रे वही तपन रे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड राइट आंसर इज जेनेवा. इंटरनेशनल से स्टार्ट हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म हो रहा है, आईएलओ. नेक्स्ट, विच कंट्री हैज बिकम द सेकंड कंट्री इन साउथ अमेरिका टू बी सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? सेकंड कंट्री इन साउथ अमेरिका आफ्टर पराग्वे, कौन सा देश है वो? ये तो क्वेश्चन मैं करा चुका हूं पहले भी. एंड राइट आंसर इज अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर 5, अर्जेंटीना इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन पटनायक लीड बीजू जनता दल वॉन द असेंबली इलेक्शन. सिंपल क्वेश्चन, ओडिशा, ऑप्शन नंबर 1. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रीज इन चाइना हैव बीन फाउंड रिलीजिंग ओजोन डेप्लेटिंग CFC-11 गैसेस. ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ चुका हूं है ना, इसका आंसर दीजिएगा. हर्ष मिश्रा, कोई भी यूट्यूब पर वीडियो आता है जैसे ही वो खत्म होता है बेटा तो वो अपलोड होता है, तो कम से कम आधे घंटे वो लेता है फिर वो शो होता है. ये हर चैनल पे होता है, या फिर आप सर्च कर लेंगे तो भी आपको तुरंत मिल जाएगा, बट चैनल पे आपको अपलोड होने के बाद मिलेगा. एंड द आंसर इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर 2, मैंने आपको ये पढ़ाया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा हैज अनवील्ड द कैलेंडर फॉर द आर्टेमिस प्रोग्राम दैट विल फैसिलिटेट लैंडिंग ऑफ एस्ट्रोनॉट ऑन. तो कहां पर, यह भी आपको पढ़ाया गया है, इसका आंसर क्या होगा? हाँ, क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है एग्जैक्टली. मैं भाई देखो, पहले भी मैं क्वेश्चन कहीं से क्वेश्चन तो मैं उठाऊंगा ना, तो कहने का मतलब क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन मिलेंगे कुछ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे. मून इज राइट आंसर. नेक्स्ट, द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट? ऑन विच डेट? तो जैसे जब मैंने SBI क्लर्क के लिए क्वेश्चन सेट निकाले थे, तो भाई मई से भी थे उसमें, जून से भी थे उसमें, तो बेटा क्वेश्चन रिपीट नहीं होते. ये अच्छा है कि आपको वो याद रहता है, आपका रिवीजन हो जाता है. एंड द आंसर इज 22nd में, ऑप्शन नंबर 3. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, असम राइफल एंड इंडियन कोस्ट गार्ड साइंड चार्टर ऑफ द एफिलिएशन टू यूटिलाइज ईच अदर असेट इन मेघालय रिसेंटली, द कैपिटल ऑफ मेघालय. ये देख लेना, असम राइफल और इंडियन कोस्ट गार्ड. एक्चुअली क्वेश्चन रिपीट नहीं, मैं आपको बताता हूं. देखिए, मई का जो लास्ट होगा 29 मई 30 मई, इसकी न्यूज एक दिन के बाद आती है, जून में आती है. तो होता क्या है कि जो मई के लास्ट न्यूज होंगे वो जून में आ सकते हैं, ये दिक्कत हो जाती है बस. आंसर क्या है? शिलोंग 5, असम राइफल्स और इंडियन कोस्ट गार्ड, ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज इकोनॉमी विल ग्रो एट वॉट परसेंट बाई 2020?
अकॉर्डिंग टू द ओईसीडी, तो ओईसीडी के हिसाब से इंडिया की ग्रोथ रेट 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में क्या रहेगी, ये आपसे पूछा गया, आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? जी हां अरविंद, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया चाइना की होगी, मेघालय में होगी, दिसंबर में होने वाली है। चलिए अब मेरे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए, एंड राइट आंसर इज, एंड राइट आंसर इज 7.5%, 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया बैक्ड अ टोटल ऑफ 57 मेडल इंक्लूडिंग 12 गोल्ड 18 सिल्वर एंड 27 ब्रॉन्ज एट इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हेल्ड रिसेंटली। देखो क्वेश्चन किस तरह घुमाया है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको पूछ चुका था, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में मैंने आपको टाइप्स ऑफ मेडल बताए और अब ये कहां पर हुआ ये आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? जी हां, ओईसीडी का हेडक्वार्टर पेरिस में है। मुकुल, इस बार संडे को आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की ट्रिक मिल जाएगी, नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे डेज पर ट्रिक आपको दें। एंड द राइट आंसर इज गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन वही है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा चेंज किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर एंड इंडिजिनियसली डेवलप गाइडेड बॉम्ब 500 kg फ्रॉम अ सुखोई जेट। प्रेजेंट चीफ ऑफ द DRDO इज, तो देख लीजिए पूरी न्यूज के बाद आपसे एक स्टडी क्वेश्चन पूछा गया कि प्रेजेंट चीफ ऑफ द DRDO, उज्जवल जी कैसे हैं आप बहुत दिनों के बाद, 5 ऑप्शन। एंड राइट आंसर इज जी सतीश रेड्डी, ऑप्शन नंबर 4। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज साइन एन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड व्हाट अमाउंट एज लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग टू इलेक्ट्रीफाई रेलवे ट्रैक्स इन इंडिया। अब देखो क्वेश्चन तो मैंने ये भी कराया हुआ है ना, मनन ट्रिक तो सारी बन जाएगी, बस थोड़ा सा मैं टाइम निकाल लूं ये सब करने के लिए, ट्रिक तो सारी बन जाएगी बेटा। एंड द राइट आंसर इज 750 million US dollars, ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर। एक दिन करंट अफेयर्स में मैंने आपको एशियन डेवलपमेंट के पॉइंट रिवाइज कराए थे, तो मैंने ये पॉइंट बताया हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 न्यू जज वेयर अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली, द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द अपेक्स कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस इज। अब ये भी क्वेश्चन पहले करा चुका हूं, मुझे याद है, चीफ जस्टिस को लेकर कितने सुप्रीम कोर्ट में जज होंगे, याद रखना, इंक्लूड करके पूछा गया आपसे। अपॉइंटमेंट और डेथ की कोई ट्रिक थोड़ी ना होती है, तो बड़ा रट्टा मारना पड़ता है। एंड द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज 31, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अच्छा अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जो अभी नया बिल पेश हुआ है उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में कितने जज बैठेंगे ये मुझे बता दो। हाँ, अभी 34, मतलब कि 33 plus 1 30, हाँ ठीक है। चलिए, जो नया बिल पेश हुआ है उसके हिसाब से, हाँ मैं भैया ये मई की न्यूज है, समझिए मेरी बात को, मैं बोला तो मैंने उसमें ठीक तो किया। हाँ 33 plus 1 अब हो गया, मैं खुद ही बोल रहा हूं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्दमीर जेलेंस्की वॉज सोन इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। एंड राइट आंसर इज यूक्रेन, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड एट अ समिट इन शंघाई इन। तो शंघाई SCO समिट को कब फाउंड किया गया था ये आपसे पूछा गया। इंडिया और पाकिस्तान 2017 में SCO के मेंबर बने और नाउ SCO में मेंबर्स हैं 8, और इसका आंसर होगा 2001। तो SCO को 2001 में फाउंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेरेसा मे अनाउंस हर रेजिग्नेशन एज प्राइम मिनिस्टर। तो थेरेसा मे ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपना रिजाइन कर दिया, ये भी आपको पता है, व्हाट इज द आंसर? एंड राइट आंसर इज यूके, ऑप्शन नंबर 2, यूके इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी एंड इरडा हैव सेट अप अ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फॉर फिनटेक इनोवेशन। सेबी इज हेडेड बाई अजय त्यागी एंड द चेयरमैन ऑफ इरडा इज। मैंने आपको ऑलरेडी अपने करंट अफेयर्स में सैंडबॉक्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। सैंडबॉक्स का मतलब होता है कि अगर हम कोई नया एप्लीकेशन कुछ नया लेके आते हैं तो पहले हमें सैंडबॉक्स में चेक करना चाहिए, उसके बाद पब्लिक को हमें देना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? मैं यहीं पर हूं, मैं कहीं गया नहीं हूं जी। इसका आंसर क्या होगा? एंड द राइट आंसर इज सुभाष चंद्र खुंटिया, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर विच अफ्रीकन कंट्री फ्री ऑफ डेडली मलेरिया रिसेंटली।
मलेरिया से किसको फ्री घोषित किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अफ्रीकन कंट्री को? अल्जीरिया, घाना, जमैका, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका। एंड राइट आंसर इज अल्जीरिया, ऑप्शन नंबर वन। अल्जीरिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिफ्थ स्मार्ट सिटी इंडिया 2019 एक्सपो वॉज ऑर्गेनाइज इन विच सिटी रिसेंटली? किस शहर में इसे ऑर्गेनाइज किया गया आपसे पूछा जा रहा है, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 70, एंड राइट आंसर इज कहां गया, हाँ, न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज साइंड अ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट विथ ₹300 करोड़ टू इंप्लीमेंट RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम अक्रॉस ऑल नेवल बेस एंड शिप्स? क्वेश्चन नंबर 71 की बात हम कर रहे हैं, 72 की हम बात कर रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा? एंड राइट आंसर इज टेक महिंद्रा, ऑप्शन नंबर 4, टेक महिंद्रा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्सन हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू क्वालिफाई फॉर कॉम्बैट मिशन फॉर ऑन अ फाइटर जेट? आंसर दीजिए, यह सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, भावना कांत, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय मूल्य पास द वे रिसेंटली, शी वॉज अ रिनाउट, ठीक है, ये भी मैंने पढ़ाया है आपको, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फिल्म मेकर एंड फिल्म हिस्टोरियन, ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following team clinched the 2019 Indian Women's League Trophy recently? Indian's Women's League Trophy recently? Answer. And the right answer is Setu FC, option number 2. Next question. Who among the following will be conferred with Japan's Order of the Rising Sun Award soon? Japan Order of the Rising Sun. And the right answer is Shyam Saran, option number 4. Next question. India has been ranked 117 out of 181 countries in the 2019 Kids Right Index. The index is topped by, is index ko isne top kiya gaya, aapse pucha gaya. VA5 option. And the right answer is Iceland. Haan, Iceland, option 5 is right answer. Next question. Which group recently emerged as India's most valuable group by way of market capitalization? HDFC, Tata, Adani, Amul and Bajaj. And the right answer is HDFC group, option number 1. HDFC group is right answer. Next question. The Pacific Vanguard exercise was conducted recently between the Navy of US and this country. Ye country kaun si hai? And the right answer is all of the above, मतलब Australia, South Korea, Japan, ये सब लोग। नाम क्या है? Pacific Vanguard. Next question. Which of the following private life insurers was conferred the FICCI Claim Excellence Award? FICCI Claim Excellence Award, क्या इसका आंसर होगा? And the right answer is Bharti AXA, option number 1 is right answer. Bharti AXA is right answer. Next question. The bond I issued in August 2018 was the world's first bond to be created, allocated, transferred and managed using blockchain technology. It was issued by which bank? Bond I ki baat kar raha hai. What is the answer? And the answer is World Bank, option number 3. Next question. The Integral Coach Factory celebrated a major milestone by rolling out its 60,000 rail coach recently. The ICF is based in. So, Integral Coach Factory, आपको पता है, वंदे भारत भी यहीं पर बनी थी. इसका आंसर क्या होगा? And the right answer is Chennai, option number 4. Chennai is right answer. Next question. Rating agency ICRA downgraded the long-term rating of IDFC First Bank recently. The first managing director and CEO of IDFC First Bank is?
तो ये आपसे पूछा गया है, थोड़ा स्टैटिक पॉइंट पूछ लिया गया है, लेकिन इकरा ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का लॉन्ग टर्म रेटिंग को है वो कम कर दिया है, वो भी जरूरी इंफॉर्मेशन थी। वैसे इसका आंसर वी वैद्यनाथन होगा, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन मीटिंग वॉज हेल्ड इन अशगबत रिसेंटली, अशगबत इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? एंड राइट आंसर इज तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन नंबर फाइव, तुर्कमेनिस्तान इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइड हेलिंग कंपनी ओला हैज लॉन्च ओला मनी क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। एंड राइट आंसर इज एसबीआई कार्ड, ऑप्शन नंबर थ्री, एसबीआई कार्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट? इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्या इसका आंसर हुआ? देखिए यहां पे गाइस, एंड द राइट आंसर इज 22nd में, ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2019 लोकसभा इलेक्शन क्लॉक्ड अ रिकॉर्ड टर्नआउट अकॉर्डिंग टू टेंटेटिव डेटा रिलीज बाय द इलेक्शन कमीशन, द टर्नआउट फॉर 542 कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमेंट एट वॉट परसेंट? आंसर फास्ट। एंड राइट आंसर इज 67.11%, 67.11% इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर खुमालो हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट द वर्ल्ड हाइएस्ट पीक, शी इज अ सिटीजन ऑफ विच कंट्री? And the right answer is South Africa, option number 5. South Africa is right answer. Next question, which country has set up a new financial technology company Libra Network focusing on blockchain and payment? So ye to aapko pata hoga, sare bachche iska sahi answer de lenge mujhe aisa lagta hai. And the right answer is Facebook, option number 1. Facebook is right answer. Next question, who among the following won the prestigious Man Booker International Prize for celestial bodies? Important question. Question number 90. And the right answer is Jokha Al-Harthy. Option number 2 is right answer. Next question. Indian Space Research Organization successfully launched its Earth observation satellite from Sriharikota recently. The satellite is named. तो अर्थ ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी, इसका नाम क्या है? इसका नाम था रिसेट टू बी, ऑप्शन नंबर फोर, रिसेट टू बी ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज अटेंडेड द मिनिस्ट्रियल मीटिंग अंडर द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बड़े दुख का विषय है कि अब वो हमारे बीच में नहीं है फिलहाल। बिश्केक इज द कैपिटल ऑफ, बिश्केक किस देश की कैपिटल है? तो बिश्केक जो है वो किर्गिस्तान की कैपिटल, ऑप्शन नंबर फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे ऑप्शन सेम थे। अच्छा या तभी सबके आंसर सही आ रहे थे। हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निकी लौडा पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज अ फॉर्मर, ये क्या थे? ये आपसे पूछा गया, इसका आंसर क्या होगा? एंड राइट आंसर इज फॉर्मूला वन ड्राइवर, ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रुक्स कोएपका रिटर्न टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड रैंकिंग रिसेंटली, ही इज एसोसिएटेड विथ गेम्स? आंसर इज गोल्फ, ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द एफएमसीजी फर्म। तो ये आपको पता है, योनो एप्लीकेशन से आपको 15% कैशबैक मिल रहा है, वाकई मिल रहा है। इसका आंसर क्या होगा? श्री श्री तत्व, श्री श्री रविशंकर जी का है ये कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज बिकम द कंट्री बिगेस्ट कंपनी बाय रेवेन्यू इन द फिस्कल ईयर 18-19? इट इज रिपोर्टेड अ टर्नओवर ऑफ रुपीज 6.23 लाख करोड़ रुपीज। एंड राइट आंसर इज रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Joko Widodo has become re-elected as the president after the recent election. In which country? देखो ये इस क्वेश्चन में मैंने आपसे पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं पूछी है. पब्लिक सेक्टर पूछी होती तो आप लोग ONGC बोलते हैं ना. यहां पे केवल कंपनी पूछा गया है. ठीक है, इंडोनेशिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2019 मिड ईयर अपडेट बाय द UN, इंडियाज ग्रोथ रेट इन द फिस्कल ईयर 2020 विल बी. एंड राइट आंसर इज 7.1%. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियाज जितेंद्र कुमार विल बी ऑनर्ड posthumously with the Dag Hammarskjold medal by the UN on the occasion of the International Day of UN Peacekeepers on which date? And the right answer is 29th May, option number 4. Next question nahi hai, itna hi question hai, matlab 99 question hamare paas hai. Theek hai, thank you so much guys, thank you so much. Aur आशीष बोल रहे हैं कि इंडिया की, आशीष का एक क्वेश्चन है कि इंडिया की इकॉनमी बढ़ रही है. कहां बढ़ रही है, मुझे तो घट रही लग रही है. अगर आप पिछले साल से कंपैरिजन करें, इस समय इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी है? सब तो कम कर रहे, डाउनग्रेड कर रहे हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुद 6.9% कह दिया है, और जहां तक मैं समझता हूं ये गिरते गिरते 6.54 तक जाएगी ही जाएगी. आप कहां बोल रहे हो इंडिया की इकॉनमी बढ़ रही है, मैं तो बोल रहा हूं घट रही है. इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का मतलब समझिए, अगर आप ये परसेंटेज की बात करेंगे राइट नाउ, तो हर देश में, पूरे, मैंने इंडिया को बोला ही नहीं, मैंने बोला पूरे वर्ल्ड में मंदी है, पूरे वर्ल्ड में मंदी है. और पूरे वर्ल्ड में मंदी है तो इंडिया में भी मंदी है. इंडिया की ग्रोथ लेकिन और देशों कंपेरिजन में थोड़ी सी ज्यादा. डोनाल्ड ट्रंप कैसे रिस्पॉन्सिबल है? अकेले डोनाल्ड ट्रंप को रिस्पॉन्सिबल नहीं बोला जा सकता है, लेकिन बेटा बात तो यह है ना कि इनिशिएट किसने किया. ठीक, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में. अभी 3:00 पर मेरी स्पेशल क्लास है, उसका लिंक मैं अभी ग्रुप पे डाल दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा. और कल फिर मिलेंगे हम लोग मॉर्निंग में 9 AM पे करंट अफेयर्स, एंड 10 AM पे फिर से हम 100 क्वेश्चंस की बात करेंगे मई पार्ट 2. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस.